किमिति विष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागण रघुनाथामृतं तं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखामृतंश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अभी हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 49। दूरे नहि अवरम कर्मा बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणं अन्विच्छम् कृपणा फल हे तव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों फलों को भोगना चाहता है वे कृपण है। मेरा आवाज क्लियर है माता जी? जी, क्लियर है प्रभु। जी तो यहाँ पे हरे कृष्ण, यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को यहाँ पे कहा गया धनंजय। धनंजय मतलब जिसने, ये आपने पहले पढ़ा रहेगा ना, धनंजय शब्द का मीनिंग क्या, ये पढ़ा है क्या आपने किधर? जी, इसमें दिया है मीनिंग में संपत्ति को जीतने वाली हाँ, मीनिंग। उसकी उसकी कथा ये है कि जब कथा भी बताई थी माता जी आपने पहले कभी, कब उनको नाम पढ़ा? अच्छा, तो युधिष्ठिर महाराज को जब यज्ञ करना था तब बहुत संपत्ति की जरूरत थी, तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि अभी यज्ञ करने के लिए संपत्ति कहाँ से आएगी। तो कृष्ण ने बताया कि अर्जुन को उधर भेजो, उत्तर की दिशा में। तब उन्होंने वहां पे जाके लड़ाई करके बहुत सारा धन इकट्ठा करके लेके आए। उसी संबंध में एक कथा भी आती है, जस्ट मुझे याद आया इसलिए मैं बता देता हूँ। तो उधर कृष्ण ने कहा कि उधर आगे जाके, उन्होंने कहा कि आगे आगे ऐसा होगा और एक बहुत बड़ा पत्थर आएगा, एक बहुत बड़ा ऐसा कचरे का ढीग आएगा। भगवान बोले कि उधर उस कचरे को निकालो और नीचे बहुत खोदो, तो उधर आपको क्या मिलेगा? बहुत सारा सोना मिलेगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्वेश्चन पूछा कि कचरे के नीचे कैसे सोना मिलेगा? तो कृष्ण ने बोला, बताया कि तुम्हारे जो दादा, हमारे जो दादा परदादा थे, वो जैसे हम कैसे पत्तल खाने के बाद फेंक देते हैं, उस तरह से उस जमाने में सोने की प्लेट पे खाने के बाद वो फेंक देते, एक बार यूज करने के बाद दूसरी बार नहीं यूज करते थे। तो वो सब जमा होके एक जगह पे कचरे कचरे में है, तो उतनी सारी उस समय संपत्ति थी। तो उन्होंने कहा कि वही सोना, उसको अगर तुम ये करोगे, शुद्ध करोगे, तो यूज कर सकते हैं। तो एक धनंजय। दूसरा पॉइंट यहाँ पे भगवान ने कहा है, दूरे न ही अवरम कर्म। दूरे नहीं अवरम कर्म, भगवान कह रहे हैं कि जो निषिद्धक है, अवरम, अवरम को क्या कहा गया शब्दार्थ में? गर्हित या निंदनीय। निंदनीय मतलब बहुत ही गलत
गलत जो कार्य है उससे क्या रोको, बहुत दूर रहो, दूर ही नहीं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि भक्तों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला तो दिया है, लेकिन पहले चीज क्या बताया है, गलत पाप पापमय चीजों से दूर रहिए। पापमय चीजें कौन सी है, मांस खाना, जुगाड़ करना, अवैध संबंध, त्रिपुरुष और नशा पान नहीं, इन चीजों से दूर पहले रहना पड़ेगा, तभी जाके हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये अगर हम भक्ति नहीं कर रहे तो इन पाप कर्मों से दूर भी नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है कि हम हमारा अगर देखा जाए सभी हम चारों तरफ से घेर चुके हैं, किससे, भौतिक चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। हमारा आत्मा के ऊपर भी आवरण किसका है, भौतिक चीजों का है। हमारा शरीर भी चीज किससे से बना हुआ है, सब कुछ भौतिक चीजों से बना है। तो हमारी जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण हम गर्हित कर्म कर देते हैं। गर्हित कर्म कर मतलब निषिद्ध कर्म, मतलब कुछ पाप कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति से, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो ऐसा देखा जाता है कि देखा जाता है मतलब यही एक उपाय, दूसरा उपाय ही नहीं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अच्छा रहना है, मतलब अच्छा एक अच्छा आदमी रहना है, कुछ गलत कामों में नहीं रहना है, लेकिन उनको भी भक्ति भी नहीं करना है, भगवान की भक्ति भी नहीं करना है। मतलब वो रहता है ना, उनको माइनस भी नहीं जाना है, -10 -20, लेकिन उनको प्लस मतलब भगवान की भक्ति भी नहीं करना, उन्हें उनको सिर्फ शून्य में रहना है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कोई अगर हम पेन है, कुछ मोबाइल है, अगर हम पकड़े हुए हैं तो ही उधर रह सकता है, अगर किसको छोड़ देंगे अपने आप नीचे जाएगा। तो दुनिया का नियम है कि हमारी चेतना भी नीचे ही चली जाएगी। तो पाप करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा अपना हमारा जो दूषित मन है विचार ही ढूंढते रहते हैं, कहाँ से मैं भोग लूँ, कहाँ मैं कुछ तो गलत कार्य करूँ, इसी में ही चेतना लगी रहती है। जब तक तो हमको हम जब तक ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करेंगे तो अपने आप हमारी चेतना, हमारे कार्य नीचे ही चले जाएंगे। जैसे नदी में अगर हम है तो क्या हो जाएगा, अगर हम तैरने का प्रयास नहीं कर रहे, अगर हम प्रयास नहीं कर रहे तो हम बहाव, क्या बोलते इसको, बहाव की दिशा में जाके पाप कर्म ही करेंगे। तो हमको अगर आम आदमी पुण्य के साथ भी अगर रहना है तो हमको भक्ति करने की जरूरत रहती है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते उसको, हरे कृष्ण, प्रभु जी, जरा आवाज कम आ रहा है। जी आवाज कम आ रहा है अभी मेरा? अच्छा, जी तो हम देखते हैं कि अभी तक का पूरा सुनाई दिया कि नहीं दिया माता जी, सुनाई दिया। हाँ लेकिन थोड़ा आवाज कम आ रहा है। जी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो यही कह रहे थे कि मुक्त संगात दुख, सॉरी, सत्संगात मुक्त मुक्त दुस्संगो। तो जब हम भक्तों का संग लेंगे तभी हम दुस्संग से बाहर निकलेंगे। तो हम भक्ति में हम ज्यादा हमारा फोकस चाहिए पॉजिटिव चीज लेने का। हम किन भक्तों का संग ले रहे हैं, अच्छे, मतलब जितने हम सिंसियर भक्तों का संग लेंगे उतना ही हमारी चेतना नीचे नहीं जाएगी, और नीचे क्या बोलते हैं उसको, हमारा ज्यादा जो फोकस रहना चाहिए कि हम भक्ति कैसे अच्छे पॉजिटिव क्या करें। जैसे भगवान इधर बहुत सुंदर रूप से कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कार्यों कर्मों से दूर रहो। तो पहली चीज है कि पाप कर्म कर्मों से दूर क्यों रहना है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं उसका कारण एक ही है कि हमने गलत कर्म किए। गलत कर्म हमने वाच हम का हम कर्मेंद्रिय से कर कर ले कर चुके हैं, या तो हमने हमारी वाचा किसी को वाचन वाचा से हमारे कुछ किसी बोलने से किसी को दुख दिया है, हमारे किसी कार कार कर कर्मों से दूसरों को दुख दिया है। कायन वाचा मन सेन्द्रिय वा, मन से भी हम अगर पापमय सोचेंगे तो उसका नुकसान क्या है कि हमारी हमारी चेतना नीचे जाती है, और भक्ति के कार्यों में
मन को लगाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए गृहित कार्य को भगवान बोल रहे कि मत करो, दूर रहो। लेकिन दूर रहने का भी उपाय भगवान ही बता रहे हैं। दूर रहने का उपाय क्या है, हमको भक्ति में अच्छे से करना है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भक्त अगर कह रहा है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ, नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि अगर कोई भक्त बोल रहा है कि हमको कैसे समझे कि भक्ति में प्रगति कर रहे हो कि नहीं कर रहा हो, प्रभुपाद जी बोले कि बहुत सरल है। प्रभुपाद जी कहे अगर कोई बोल रहा है कि कोई भूखा है, और अगर कोई बोले कि किसी को किसी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि इसने खाना है कि नहीं खाया है, खाना खाया है कि नहीं खाया है, अगर आपको भूख लगी है और अगर आपने खाना खाया है तो हमारी भूख मिट जाएगी। उसी तरह से प्रभुपाद जी कह रहे थे अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसकी भौतिक इच्छा कम हो रही है, उसको भोग वांछा कम हो रही है, उसको पाप करने की प्रवृत्ति इच्छा नहीं हो रही। यही है सर्टिफिकेट, यही है प्रमाण है। प्रभुपाद बोल रहे थे कि हम दूसरों को कुछ मतलब दूसरे को दिखाने का जरूरत नहीं है, खुद ही हमको समझ में आ जाएगा हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तो प्रभुपाद जी ने एक सुंदर श्लोक कोट किया था, भक्त भक्ति पर ईशानुभव विरक्ति अन्यत्र च। मतलब अगर भक्ति में पर ईशा अनु कभी कभी भक्ति है जो मजाक मजाक में इसको बोलते भक्ति परेशानुभव, तो भक्ति इसको इसको श्लोक यही है कि भक्ता भक्ति परेशान है, भक्ति परेशान हुआ। लेकिन इसका जो संस्कृत में अर्थ यह है पर ईश अनुभव, परेशान परेशान हुआ। सो पर ईश अनुभव, जितना ही हम भक्ति में पर ईशान अनुभव होगा उतना ही क्या होगा, विरक्ति अन्यत्रश्च, विरक्ति आ जाएगी, मतलब पाप कर्म करने की प्रवृत्ति और इच्छा चली जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, अगर हर कोई कह रहा है कि भक्ति भी कर रहा हो और पाप कर्म या निषिद्ध कर्म कर रहा हो तो क्या हो जाएगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति करना मतलब हमारी चेतना को कृष्ण भावनामृत में लाना है। इसका मतलब हमारी लकड़ी जैसी जो चेतना है उसको हमको आग लगाना है भक्ति के मार्गों से। लेकिन अगर हम कोई गर्हित कार्य करते हैं, गर्हित कार्य का मतलब कोई निषिद्ध कार्य, जैसे मतलब जो जो चार क्रिया है, मांसाहार, जुगार, अवैध स्त्री संग, और क्या है जुगार, ये जो सब चीजें हैं ये करेंगे, और अपराध भी है एक्चुअली। इन सब से चार में से सबसे महान तो डेंजर अपराध है। अगर ये सब करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पहली चीज तो ये हो जाएगी कि एक मिनट, ये जब चार चीजें हम भक्ति में करते हैं तो क्या हो जाता है। हाँ, मैं प्रभुपाद जी का एग्जांपल बता रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे थे हमारी जो चेतना है वो लकड़ी की तरह है, और भक्ति करना मतलब उसको लकड़ी को आग लगाना है। लेकिन ये गर्हित कार्य करना मतलब ये लकड़ी में पानी डालना है। अगर हम किसी सूखी लकड़ी में को जलाते हैं तो तुरंत ही वो जल जाती है, उसकी आग निकलने लगती है। हाँ, लेकिन अगर अगर हम पाप करके पापमय कृत्य करते हैं, कुछ अपराध करते हैं, तो उस लकड़ी में पानी डालने जैसा है। अगर गीली लकड़ी को जब हम जलाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, आग तो निकलती नहीं है लेकिन बहुत सारा धुआं निकलता है। तो धुआं निकलना मतलब क्या, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी भक्त को लगता है कि मैं पाप भी करूंगा और भक्ति भी करूंगा, मतलब सातवां अपराध। खुद होके वो पाप भी करता है, उसको लगता है कि भक्ति कर रहा हो तो कुछ ज्यादा तकलीफ तो होगा नहीं, तो इसका अर्थ है वो पाप भी कर रहा है, मतलब पाप कर रहा है, मतलब पानी डाल रहा है लकड़ी में और आग भी लगा रहा है। तो क्या होगा, धुआं निकलने लगा और धुआं नाक कान में जाएगा। तो ऐसा जब करते हैं भक्तों, जब करते हैं तब भक्ति में ही उसको, भक्ति से ही उसको बहुत तकलीफ आने लगती है। मतलब भक्ति कर रहा है लेकिन भक्ति में इतना संघर्ष होता है, और भक्ति में ऐसा लगता है कि कब कब माला छोड़ दूँ, कब कब मैं भक्तों से दूर चला जाऊं, ऐसी भावना हो जाती है। ये कब होती है, जब और भक्तों का संग उसे पसंद नहीं आता है, भक्तों के साथ संग करने की इच्छा नहीं होती। तो ये सभी को भी, किसी को भी हो सकता है।
अगर हम भक्ति करते समय गर्हित कार्य करें, इसलिए ये जो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं दूरे नहि अवरम कर्म, अपने आप नहीं हो गए दूरे न, भगवान कह रहे कि अवरम कर्म को दूर रखो, लेकिन अपने आप नहीं होगा। कैसे होगा? बुद्धि योगा। जब तक हम, अगर जिस दिन हमारे जब अच्छा नहीं हो रहा है, उस दिन हमारा मन बहुत गलत सोचेगा, किसी दूसरे भक्त के विषय में गलत सोच सकता है, किसी मतलब निगेटिव फीलिंग बहुत ज्यादा है कि कुछ भी कोई अच्छा भी कर रहा है तो बार बार नीचे लेके जाएगा, मतलब हमको कुछ दूसरे में अच्छा नहीं दिखेगा। हाँ, और पाप करने की प्रवृत्ति होगी, दोष देखने की प्रवृत्ति आ जाएगी। ये सब कब होगा? जब हम भक्ति में ये नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसमें उत्साह शक्ति नहीं डालेंगे। तो हमारी शक्ति जो है हमने भक्ति में डालना चाहिए। और जब ये दोनों भी चीज रहेंगे, भक्ति भी सावधानी पूर्वक कर रहे हैं और पाप कर्मों से भी हम दूर हो रहे हैं, तभी हम, और उसी भाव से भगवान की शरण करो, तभी हम भगवान की सही रूप से शरण जा सकते हैं। अभी हम हाल ही में सुन रहे थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में। हमारे आचार्य को ज्यादा समय, प्रभुपाद जी को भी, हमारे आचार्य को ज्यादा समय ये बताने में गया कि भक्ति क्या नहीं है, क्योंकि लोग भक्ति के नाम पर बहुत कुछ गलत गलत करते हैं, और इतना ही नहीं, कुछ कुछ जगह तो पाप कर्म भी वो कर देते हैं। ऐसे मैं भी सुन रहा था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कभी बोलते थे ये राधा कुंड है कि नरक कुंड है, ऐसे बोलते थे। राधा कुंड है कि नरक कुंड है, क्योंकि कभी कभी लोग पवित्र स्थानों में भी जाकर भी पाप में कृत्य करते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है ना कि जब पेड़ की डाली के ऊपर सबसे ऊंचा जो फूल है वो जब परछाइयों में दिखता है तो सबसे नीचे दिखता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कभी भक्त भी अगर वो उसने अपराध किया है या गलत, मतलब सावधानी नहीं रह गया और उसको उसको मतलब मेन महत्वपूर्ण गलती कर दी उसने, तो वो क्या करते, इतनी घिनौनी हरकत करता है कि हम देखते कि अवरम कर्म दूर नहीं अवरम कर्म कर देता है, और तब वो भगवान की शरण नहीं जा सकता। लेकिन भगवान आगे बोलते हैं, दूसरे श्लोक में बोलते हैं, कौन सा श्लोक हो, अपिचेत सुदराचारम भजते माम अन्य भागा साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित। इसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं कि अगर कोई बहुत गलत पाप भी कर चुका हो, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति कर रहा है तो वो साधु क्षिप्रम भवति धर्मात्मा हो जाता है। यहाँ पे किस प्रोपा जी यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान जो बोल रहे हैं यहाँ पे किस भक्तों के विषय में चर्चा है जो खुद से पाप कर्म में नहीं लगा है, प्रयास कर रहा है लेकिन कभी कभी गलती से वो गलत कर रहा है, तो लेकिन भक्तों ने हमेशा पाप कर्म से बहुत दूर रहना चाहिए इन पापों से, और तभी हम सही भावना हृदय पूर्वक भगवान की शरण कर ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो भगवान की शरण ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए बहुत दृढ़ शक्ति लगती है। दृढ़ शक्ति कहाँ से आती है? भगवान बोलते हैं ना, व्हाट इज दैट, तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मा त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ते भजन्ते माम दृढ़ व्रता। मेरी भजन दृढ़ता से कौन कर सकता है? जो तेषां त्वन्तगतं पापं, जिसके सभी पाप कर्म मिट चुके हैं, मतलब जो अभी कुछ भी पाप कर्म में नहीं लगा हुआ है, ऐसे कहते हैं। और दूसरा पॉइंट बोलते हैं भगवान, जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण है। ये पाप की शुरुआत होती है। जब हम कोई भी चीज सेवा करते हैं, मेरा आवाज आ रहा है माता जी? जी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभी कम हो रहा है। हाँ, मैं थोड़ा बाहर था। एक्चुअली क्या हो गया, मैं मंदिर में ही था अभी तक, लेकिन थोड़ा एक काम की वजह से मुझे आना पड़ा दूसरा बाहर जगह पे, लेकिन मुझे लगा कि अब तक मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो बाहर ही रह चुके, तो इसलिए मैं एक दुकान में उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो एक दुकान के अंदर बैठ के मैं नहीं अच्छा, हरि हरि बोल प्रभु जी। कि अभी
एकदम टाइम पे किसको बोलेंगे तो बराबर नहीं लगता, नहीं क्या? तो हम बोल रहे हैं तो सकाम कर्मों को कर्म फलों को भोगना चाहते वह कृपण है। एक मिनट है, थोड़ा देर, सॉरी। तो कृष्णा आवाज आ रहा है अभी मेरा? जी अभी आ रहा है। ओके, तो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण है। तो हम यहाँ पे जो है कुछ भी अगर कुछ सकाम कर्म मतलब सकाम कर्म फलों को, इसका मतलब क्या है, हम कुछ भी करेंगे तो उसका हमको अगर अपेक्षा रहती है कि मुझे भी उसका श्रेय मिलना चाहिए तो सकाम कर्म हो गया। मतलब और उसको अगर भोगने की इच्छा आती वो भगवान बोल रहे कि कृपण है, क्योंकि भक्ति के सभी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं या वरिष्ठ भक्त की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं वो कृपण है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं, तो तात्पर्य पढ़ सकते हैं माता जी, आप पढ़ेंगे? जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसे कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपा अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी पूरी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तों को हमेशा ये सोचना है कि भगवान ने हमें क्या क्या संधि साधन हमें दिए जिससे कि हम भक्ति कर सके। जैसा हमें क्या समय मिल रहा है, हमारे पास क्या संपत्ति है, हमारे पास क्या नाम है, मतलब हमको जो भी भगवान ने दिया है हमको बार बार सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें दिया है जिससे कि हम उनके पास आ सके। इस विषय हम बार बार सोचना चाहिए। अगर हम मिलने के बाद भी अगर हम नहीं करेंगे तो हमको कृपण कहा जाएगा। हम माता जी अगला श्लोक पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। इस श्लोक में किसी के कोई क्वेश्चन है तो लेंगे, नहीं तो दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ। किन्हीं के कोई प्रश्न है तो, किन्हीं के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले श्लोक पे जाएंगे। प्रभु जी लास्ट लाइन है ना, कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे? भगवान प्रभुपाद जी कृपण मतलब कौन है? कृपण मतलब जो मिला है उसको वो अच्छी तरह से यूज नहीं कर रहा है। एक्चुअली कृपणों की भांति अभी मानवीय शक्ति अगर कहा जाए, मानव शक्ति सबसे अगर कुछ मानव की शक्ति वो है समय। हमारे पास अगर कुछ मिला है, अगर सबसे बहुत महत्वपूर्ण है समय है, उस समय को अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, मतलब जो भी समय मिलता है अगर हम एक क्षण भी अगर व्यर्थ गवा रहे हैं जो, तो हमसे मतलब उससे अभागा कोई नहीं हो सकता। तो हमको बार बार ये जैसे ही हम जब नया भक्त आता है
तो नए नए भक्ति में वो सोचते रहते हैं कि मैंने कितना समय भक्ति में लगाया, लेकिन जैसा वो प्रगति करता है वो देखता है कि कितना समय वो भक्ति में उसने व्यर्थ गवाया है, मतलब कितना समय उसने कृष्ण इतर चीज की है। इसलिए भगवान बोलते ना, सर्वधर्मां प्रति माम एकम शरणम व्रज। माम एकम शरणम मतलब क्या है, एकम मतलब क्या है, जैसा ही समय मिले जो कुछ भी करना हो मेरे से संबंधित करो, मतलब जो कुछ भी करना है, मतलब उठे, जप किया, खाना खाना है, प्रसाद लगाया, कुछ भी करना है, सब कुछ भगवान के संबंध में रखना चाहिए। अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, तो भावना यही रहनी चाहिए कि कैसे हम इससे भगवान की भक्ति अच्छी कर सके। अगर हमारा समय या हमारा कुछ भी हम पैसा व्यर्थ कर रहे हैं, कुछ भी, चलो हम आजकल लोग पैसा कहाँ पे, मानवीय शक्ति, मतलब दो तीन चीज हो गए तो समय समय तो आजकल बहुत लोग व्यर्थ गवा रहे हैं, ऐसे ही मोबाइल में, इसमें इसमें टाइम पास गवा के। दूसरा चीज है पैसा, पैसा किधर गवा रहे लोग, इधर घूमने जा रहे हैं, इधर गोवा घूमने जा रहे हैं, ये इधर किधर, नहीं मतलब घूमने के लिए 1,000 रुपए गवा देते हैं। तो हमने सोचना है जी कि पैसे गवा ही रहे, मतलब पैसा यूज केवल भगवान की भक्ति में, मतलब हमको जाना है तो यात्रा में जाना चाहिए, हमें अगर पैसा ज्यादा मिल गया तो किसी को किसी मंदिर में अपना टेम्पल में डोनेशन देना चाहिए कुछ काम के लिए, भगवान की सेवा के लिए। लेकिन ऐसे ही नहीं करना चाहिए, लोग ऐसे जाते हैं फालतू में कितने कितने रुपए पैसे जो खर्च कर लेते हैं। कोई कोई होटल में जाके एक एक दिन का एक टाइम का खाना 1,000 2,000 रुपये खाना हो जाता है। हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, और इतना ही अगर 1,000 रुपये मंदिर को देने के लिए अगर बोले सेंटर को, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पैसा कहाँ जा रहा है। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि ये मानवीय शक्ति व्यर्थ गवा के वो उसका ही नुकसान हो रहा है। और लेकिन इधर क्या हो रहा है, जितना हम भगवान को समय देंगे, जितना हम भगवान को सेवा के रूप में देंगे, भगवान हर कुछ याद रखते हैं। और स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते तो महत्व तो महतो भया। ये जितना भी समय हमने भगवान की सेवा में लगाया है, भगवान की साधना में लगाया है, भगवान के कथा में श्रवण में लगाया है, वो हमको कई कई जन्मों तक काम आएगा। हमको बहुत बार तो जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हमको त्रायते महतो भया। और इतना ही नहीं, हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर से ये छुड़ा सकता है। इसलिए हमको जो मिला है ना, उसके बारे में बार बार ये हमने सोचना चाहिए कि क्या मैं इस समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। एक क्षण भी जब टाइम वेस्ट हो रहा है तो बहुत दुख होना चाहिए भक्तों को। रात में हमें रोज सोचना चाहिए कि जैसे हमको हमको एक ट्रेनिंग है कि रोज भेजते हैं हम लेक्चर, मतलब हम SMS भेजते हैं व्हाट्सएप में, आज दिन भर में कितना श्रवण किया, आज दिन भर में कितना क्या बोलते हैं उसको वाचन किया। तब हम जब सोचने लगते तो हमको पता चलता है कि हमने कितना समय व्यर्थ गवाया है, नहीं क्या? इसलिए ऐसा सोचते हैं। तो ये है मानवीय शक्ति की भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो ये अभागी, तो ये हमने अपने लिए सोचना चाहिए, सब व्यक्ति ने, जबकि हम जब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृपणों की भांति अभागी व्यक्ति, तो सब व्यक्ति ने हम खुद के बारे में सोचना है कि क्या मैं तो अभागी नहीं हूँ, मुझे जो दिया है भगवान ने क्या मैं उसका सही से उपयोग कर रहा हूँ, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। और कुछ पूछते हैं माता कुछ जी? तो आगे पढ़े थोड़ा। जी, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युञ्जस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में जो मेरा आवाज आ रहा है माता जी, जी आ रहा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, है।
तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेता है, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कार्य मतलब कौन से हैं, इसका मतलब मेरे लिए अच्छे। यहाँ पे बुरे कार्यों के विषय तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि बुरे कार्यों से दूर रहना है, लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अच्छे कार्यों से भी दूर रहता है। कैसे दूर होता रहता है, क्योंकि अच्छे कार्य कब करता है व्यक्ति, जो उसको लगते हैं अच्छे हैं, जो उसको लगते हैं कि ये मेरे फायदे के हैं, इसको कहते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब जब हम कुछ कार्य करते हैं कि चलो इससे कुछ तो फायदा होगा। हाँ, कुछ भी सेवा रहे, मतलब कुछ भी अगर सेवा में अगर हम ये सोचे कि इसमें मुझे मेरा क्या बेनिफिट है, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, ये करने से कुछ लाभ है क्या, इससे मेरा कुछ फायदा है क्या, लाभ है क्या, मतलब इसमें मेरा नाम हो रहा है या इसमें मेरा कुछ कुछ भी भौतिक कुछ भी हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो वो कौन से में इसमें आता है, वो भक्ति नहीं होती है, वो सकाम कर्म में आता है। भक्ति मतलब मुझे गुरु के जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा आदेश द्वारा क्या बताया गया है। और आज मतलब ये सोच, वो भक्त ये सोचता है कि मुझे मुझे अच्छा क्या बुरा क्या है ये नहीं ध्यान में रखना है, भगवान को क्या चाहिए और भगवान के भक्तों को क्या चाहिए, ये करना मतलब भक्ति के कार्यों में संलग्न होता है। तो इससे हम अपने, क्योंकि अगर हम मुझे क्या पसंद है ये कर रहे हैं तो हम फिर से हम कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। तो अतः योग के लिए प्रयत्न करो, योग के लिए मतलब भक्ति योग के लिए प्रयास करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भगवान कह रहे हैं कि सारा कार्य कौशल, अगर तुमको एक्सपर्टीज बनना है, एक्सपर्ट बना है इस दुनिया में कैसा रहना है, इस दुनिया में कैसे काम करना है, तो सरल मार्ग है कि ये सोचो, हर चीज में सोचना है, निर्णय हमको ये लेना है कि इस सेवा में मैं भक्तों भगवान की और भक्तों की सेवा कैसे कर सकता हूँ, इस ये कार्यों में कौन से, मतलब कोई बोलते हैं ना बहुत कंफ्यूजन होता है, ये करो कि वो करो, वो कह रहे कि वो करो, तो इसको कहते हैं कार्य कौशल, एक्सपर्टीज इन वर्क। कार्य कौशल को भगवान क्या बोलते हैं, कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, ये कहते हैं कर्मसु कौशलम कब आएगा, जब हम हर कार्य को करते टाइम, जैसे हमको कुछ भी करना है, जो हमको हमने सोचना है कि घर की सफाई करेंगे, चलो घर की सफाई करेंगे। हाँ, घर की सफाई ये तो भक्ति ही होगी, भगवान का ही घर है, लेकिन पहले ये सोचना है क्या आज का मेरा माला हो गया, अगर मैं सफाई करते बैठेंगे पूरा माला, तो फिर क्या मेरा वाचन हो गया, मतलब हर समय हम ये सोच रहे कि मेरी भक्ति इस कार्य से मेरे भक्ति पे क्या प्रभाव गिरेगा, ये उसका ये भक्त सबसे पहले सोच रहती है कि इस चीजों से मेरे भक्ति में क्या प्रभाव गिरेगा। तात्पर्य पढ़ते हैं, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, हमारे स्वरूप से हम अनभिज्ञ क्यों है, क्योंकि जीव का जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, अगर कृष्ण के नित्य दास है तो बुरा और अच्छा ये कृष्ण के दास को महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, किस तरह से हम भक्ति अच्छा कर सके, मतलब अगर हम कोई भी कार्य करते हैं पहले सोचना चाहिए कि इस ये कार्य करते समय किस तरह से मैं भक्तों का संग ले सकता हूँ, इस कार्य में मैं कैसे मैं भक्ति में और तीव्र और प्रामाणिक भक्ति कर सकता हूँ, ये हमारा हर हर कार्य में ये होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है, कौन से अज्ञान को, कि मैं भगवान का दास नहीं हूँ, अच्छे और बुरे कर्म, यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। देखिए, हमको करना कुछ नहीं है, जो हम जीवन में कार्य कर रहे वही करना है, बस वो कार्य करते समय वे बस यही सोचना है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं, जिससे मैं भक्तों का संग अच्छे से कर सकूं, जिससे मैं प्रभुपाद की किताबें अच्छे पढ़ सकूं, ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं
जप अच्छे से कर सको। ये सब सोच, इतनी सब सोच से क्या हो रहा है, हम जन्म मृत्यु के श्रृंखला, जन्म मृत्यु के कर्मश फल की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं। अतः अर्जुन को कृष्ण भावना रूप में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो यहाँ पे भगवान कर्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि भक्ति करो। कर्म करना मतलब क्या है, जो भी दिया है वो करना है। भक्ति करना मतलब वो जो भी दिया है वो करना है, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए करना है। भक्ति मतलब कार्य महत्व नहीं है, क्या कर रहा है भक्त। कभी कभी लगता है कि बहुत सेवा कर रहा है, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है, किनकी प्रसन्नता के लिए, क्या वो वरिष्ठों के प्रसन्नता के लिए कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण। हरे कृष्णा माता जी, 345 हो गया। जी जी तो बात और किसी को कुछ इस विषय में प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं। जी। वो कॉल लेते। हरे कृष्णा, कोई सवाल है? अनीता माता जी, कोई सवाल? रेणु माता जी, पुष्पा माता जी, श्रुति माता जी, कलावती माता जी, शीला माता हरी जी, बोल। कोई सवाल जी? कोई सवाल ठीक है, हम फिर यही विराम देंगे। जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप अपने बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए समय निकालते हैं। अभी भी प्रभु जी बाहर ही हैं, तो बहुत घर बहुत में नहीं धन्यवाद है। हरे प्रभु जी। प्रभु जी के लिए हम 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, बोल, हरि हरे बोल, हरि बोल। प्रभु बोल, जी थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी।